बलिया के खबर है, जहां यूपी के बलिया में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व बलिया में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, लगाई आस्था की डुबकी। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। रेलगू क्षेत्र बलिया में गंगा में स्नान का पौराणिक इतिहास रहा है। इसके लिए भक्तों की भारी भीड़ कल शाम से ही घाट के किनारे पहुंचने लगी थी। सुरक्षा दृष्टिगत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही, डाक और बम स्क्वाड की टीम कर निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर बना रखी थी। जगह जगह समस्याओं ने श्रद्धालुओं के लिए राहत शिविर लगाया था। भव्य भंडार, दवा, चाय इत्यादि का भी कैंप लगाया गया था। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान व पूजा करके सुख समृद्धि कामना की है। बलिया के श्रीरामपुर घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताइए, ममता दुबे जी, आज पूर्णिमा पर्व है, हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, यहाँ बहुत श्रद्धालु नहाने। इसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि ये बहुत धार्मिक पूर्णिमा है। हम लोग यहाँ श्रद्धालु लोग नहाने आते हैं, दान पुण्य करते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये, कार्तिक मास के बहुत। नहाने से क्या प्राप्ति होती है, किस कैसा लाभ होता है? नहाने से धन पुत्र पद की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है नहाने से। नजर आई व्यवस्था सुविधा सही है यहाँ की। अपना परिचय बताया, क्या नाम है आपका? आज देखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है, यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जो दूर दराज से बलिया आते हैं, इसकी क्या मान्यता है? आज के दिन लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं और नहाने जाते हैं गंगा जी पापों से मुक्त होने के लिए, और ऋषि मुनि का दर्शन करते हैं। इसी पर्व पे हम लोग जो है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भंडारा करवाते हैं, जिसमें लाखों लोग मतलब आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर निःशुल्क दवा के वितरण करते हैं और निःशुल्क चाय की उपलब्ध नहीं, ये गंगा स्नार्थियों के लिए हम लोग जो है कि चाय निःशुल्क वितरण किए हैं और जो है कि दवा वितरण कर रहे हैं। कितनी श्रद्धालु उनका नियंत्रण मदद करते रहना है और जहाँ तक संभवतः हो सकता है हम लोग मदद करते रहेंगे। इसलिए हम लोग युवा साथियों को आगे करते हैं, हमारी नेतृत्व जो है युवा साथियों को आगे कर रही है और भरपूर जो है कि लोगों को मदद कराने का प्रेरणा देती रहती है, हम लोग मदद करते रहते हैं। सर आज पावन पर्व है कार्तिक पूर्णिमा, किस तरीके की सर व्यवस्था है? अभी तक कितने श्रद्धालु आ गए, कैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है? सर कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज गंगा स्नान का कार्यक्रम चल रहा है बलिया जिले में, और काफ़ी संख्या में आप स्वयं देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आ रही है और लोग जा भी रहे हैं स्नान करके, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन लगातार अभी भी श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, रूट से लेकर के घाट से लेकर के, घाट पर नाव, रस्सा, ट्यूब और हमारी जल पुलिस भी लगी हुई है, पीएससी की फोर्स लगी हुई है, महिला सिपाही लगे हुए हैं, तो हर जगह और ड्यूटियां लगाई गई हैं। सड़क पर जो आवागमन का रास्ता है वहां पर ड्यूटियां लगी हुई हैं, मंदिरों पर भी भारी भीड़ होती है तो वहां भी ड्यूटी लगी हुई है। फिलहाल अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोगों का विश्वास है कि सभी लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं सब अपना आज का यह कार्यक्रम सकुशल स्नान करके अपना पूजन करके यहाँ से सकुशल अपने अपने घर जाएंगे। सर अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं और कितने आने की संभावनाएं हैं? अभी कुछ ऐसा बहुत हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारी भीड़ आई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और ये कल दोपहर में लगभग 3 बजे से यहाँ लोग आना शुरू किए हैं, स्नान तो रात में 12 बजे के बाद शुरू हुआ है, लेकिन 3 बजे से शुरू हुआ, अभी तक की स्थिति आप पीछे देख रहे हैं, लगातार भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो बहुत अनुमान लगाना कठिन है कितने लोग, लेकिन यह है कि ये कहा जा सकता है कि भारी संख्या में लोग हैं। हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।